और यहाँ पे है पूरा गरवाली, साली पूरा गरवाली। बड़ा बड़ा पीस करके बनाया है, पूरा फॉर्की है ये, जो कि ब्राह्मण पहले जो बताया था मैं आप लोगों को, और इसको बोलते हैं सामला। और इसका काम जो है हाथ दुल्हन जो आशीर्वाद लेते हैं उसके बाद ये चाहिए, क्योंकि उन लोग का साथ देने के लिए। और ये लोग कह रहा है इतना ही बच्चे आया है, भाभी अच्छा से खाना बुझी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल, स्वागत है और एक नई ब्लॉग के साथ। तो देख सकते हो आते ही मेरा बहन काम पे लग गए है, देखो बहन हो तो ऐसा। और यहाँ देखो मनोज का पापा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और यहाँ पे आते ही काम पे लग गया है ये। अभी देखो आज ये मेरे साथ सोया है। मेरे साथ सोया साली आधी घरवाली हुआ है, साली पूरा घरवाली अभी नहीं। और यहाँ देखो पप्पू बिस्कुट वगैरह खा रही है। और कल का मनोज का पापा मकई लिया है ना, वो मकई बॉयल करने के लिए, बॉयल करने के लिए यहाँ पे बाहर रख दिया है। कल मेरा बहन ने ये फ्लावर का पौधे लेके आया था दोस्तों, इसको लगाने के लिए मैं थीना में थीना में मिट्टी ना खुद के रखी हूँ, इतना सारा भर के रख दिया है। अभी मैं दिखाती हूँ आप लोग को थीना में पूरा वहाँ पे भर के रखेंगे, क्योंकि आजकल तो बारिश भी नहीं आ रहे है ना, बारिश का मौसम आएगा तो पूरा बाउंड्री में एरिया में लगाएंगे। यहाँ पे मैं रखेंगे क्योंकि पानी नहीं है ना, यहाँ पे पानी देंगे, गोबर वगैरह सब डाल के सब फ्लावर यहाँ पे रख देंगे, पानी दे के रोज डालना पड़ेगा यहाँ पे पानी। यहाँ पे मनोज के मामी पौधे लगाया है और कल परसों फूल लग जाएगा, और हो सके तो शाम को भी लग सकता है शायद फूल। देखो ये पौधे का जो फ्लावर है ना, फ्लावर का पौधे बहुत पसंद है इसको, फ्लावर पसंद है, तरह तरह का फ्लावर मतलब गार्डन बनाने के लिए मन करता है इसको। और यहाँ पे है पूरा घरवाली, साली पूरा घरवाली। आज मेरे साथ तो गया है इसने, देखो गाइस झूठ बोल रहा है गाइस, देखो 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 हम लोग का नीचे ही सोया है वो, हम लोग ऊपर में सत्ता पर नीचे ही सोया है, बोल नहीं पा रहे मेरे साथ सोया है बोल के, झूठ बोल रहा है। देखो शर्म आ रही है, देखो शर्माना मत, कोई कुछ नहीं बोले, शर्म बरम कुछ भी नहीं आ रहा मुझे, जो सच्चा साली पूरा घर वाली है, आधी घर वाली नहीं है, है ना बाबा, है ना। ओ ओ जादू दे रहा है मेरे को, देखो सुबह सुबह के जादू दे रहा है ये। नीचे मैं जाऊंगा दोस्तों, जहाँ पे शादी वगैरह चल रहा है उसका भैया का घर में जाऊंगा, और मनत का मम्मी लोग तो नहीं जाएगा, साली साहब भी नहीं जाएगा बोल रहा था। और यहाँ पे लोग स्टाइल हो रहा है, देखो इन लोग का साथ में मिलने से खाली उन लोग कैसे बाल बनेगा, कैसे मुंह साफ करेगा वही है। और अभी मैं नीचे में जाऊंगा, और नीचे में जाने के बाद पूरा मैं काम वगैरह देखूंगा, काम मदद करूंगा वहाँ पे भी, क्योंकि मेहमान वगैरह आएगा। आज 8 बजे टाइम दिया था मेहमान के लिए, पूरा गांव वाला को बुलाया है, कल देखा होगा आप लोगों ने इनविटेशन कार्ड दिया था हम लोगों ने, और वो सब को बुलाया है हम लोगों ने, और मेहमान आएगा तो वहाँ पे खाना वगैरह सब्जी वगैरह बांटना है। फाइनली पहुँच गया है नीचे में, और यहाँ पे तैयारी चल रहा है कि जो कि मेहमान के लिए जो आएगा खाना और सब्जी वगैरह, और यहाँ पे है फॉर्क और सब रेडी हो रहा है यहाँ पे, पूरा वहाँ पे ऑलरेडी रेडी करके रखा है। और देखो यहाँ पे फॉर्क इतना बड़ा बड़ा करके, फॉर्क बड़ा बड़ा पीस करके बनाया है, पूरा फॉर्क ही है ये, तेल के साथ बनाया पूरा। और यहाँ पे क्या है, ये योथी, और उसका सिर का जो है मांस है उसको बना रहा है फिलहाल के लिए। और यहाँ पे भी रखा हुआ है ऑलरेडी पूरा सब्जी वगैरह, और क्या है ये, वो पॉर्क ही है भाई, बहुत बड़ा पॉर्क काटा गया है ये, देखो पूरा स्टाइल हो गया ये भी, ये शादी में जाने के लिए। और बहुत सारा लोगों के लिए इंतजाम हो रहा है, और यहाँ पे है राइस पूरा, और मेहमान है फिलहाल के लिए उस घर में, भैया का घर में, और मेरा भैया का घर है ये, जो अक्सर देखा होगा हम लोगों ने कभी कभार यहाँ पे खाना खाने के लिए आता है इस घर में, और भैया का घर में ये छोटा सा घर है जो किचन है, और यहाँ पे है बड़ा वाला घर। घर में घुस चुका हूँ मैं, और यहाँ पे है दुल्हा दुल्हन, जो कि ये लड़का जो है मेरा बड़ा भैया का बेटा है, सबसे बड़ा है, और यहाँ पे उसका दुल्हन जो है, और वहाँ पे लिखा हुआ है वेडिंग, हैप्पी वेडिंग सेरेमनी, और रिबन चकमा विथ निशा चकमा, और यहाँ पे पूरा सजा गया है, और यहाँ पे मेहमान लोग बैठा हुआ है। तो हम लोग सकमा भाषा से ब्राह्मण, जो कि ये मतलब दुल्हन दुल्हन को इन लोग का यहाँ शादी जो कम्प्लीट कर देते हैं, मतलब इन लोग का हम लोग का रीति रिवाज में जो शादी होते है ना, तो उस तरह से ये लोग मतलब मिलजुल कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, इसको बोलते हैं ब्राह्मण हम लोग।
दोस्तों मैरिज कम्प्लीट होने के लिए हम लोग का जो रीति रिवाज में चकमा लोगों का मैरिज कम्प्लीट होने के लिए दो आदमी चाहिए, मतलब एक बोलते हैं जो कि ब्राह्मण पहले जो बताया था मैं आप लोगों को, और इसको बोलते हैं सामला। और इसका काम जो है जो मेहमान वगैरह खाना खाते हैं ना, और खाना खाने के बाद और उसके बाद ये लोग आशीर्वाद लेते हैं, दुल्हा दुल्हन जो आशीर्वाद लेते हैं उसके बाद ये चाहिए, क्योंकि उन लोग का साथ देने के लिए मतलब वहाँ पे आशीर्वाद वगैरह देते हैं, पैसा वगैरह देते हैं, वो इसके लिए इन लोग का साथ देने के लिए इसको बोलते हैं सामाला हम लोग का बाजार से, वही काम उसका काम है। और बाकी उसका काम जो है ब्राह्मण का काम जो है मैं तो आप लोग को आगे बताया, क्योंकि वो लड़का लड़की जो फिलहाल के लिए तो हस्बैंड वाइफ नहीं है, क्योंकि मतलब खाली लड़का लड़की है, दूल्हा दुल्हन है, लेकिन इसको मतलब कम्प्लीट करने के लिए, शादी को कम्प्लीट करने के लिए इसको चाहिए, ब्राह्मण को चाहिए, वही मतलब हस्बैंड वाइफ बना देते हैं, दूल्हा दुल्हन बना देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं हस्बैंड वाइफ का, ब्राह्मण का काम वही है भाई। इतना सारा सब्जी और यहाँ पे खाना सब्जी लगाया है ना, क्योंकि हम लोगों ने लगभग 200 से 300 आदमी लोग हम लोग इनवाइट किया है के लिए, जो खाना वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करेगा ये लोग जो है, जो मेहमान को देखेगा खाना सब्जी वगैरह जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जो बांटेगा, वो लोग खाना खा लिया है, और अभी आ चुका है बारी बच्चों को खाना देने के लिए। दोस्तों अभी दिखाता हूँ मैं आपको, बच्चे तो इतना ज्यादा नहीं आया है, और यहाँ पे है बच्चिया जो इन लोग को खाना देने जा रहे है, और बड़ा बुजुर्ग लोग जो हम लोग को इन्वाइट किया था वो लोग तो अभी तक आया नहीं, 8 बजे टाइम दिया था, क्योंकि अभी तक बजा नहीं, 7 बज गया है, 8 बजे वो लोग आएगा। और यहाँ पे फिलहाल के लिए बच्चों लोग को खाना देने के बाद इन लोग को घर जाएगा ये लोग, फिर जब जो हम लोग इन्वाइट किया था बुजुर्ग लोग उन लोग आएगा तो उन लोग को भी खाना दे देगा, पूरा सिस्टमेटिक हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी खाना देने के लिए सब्जी देने के लिए रखा है, ये लोग भी खाना खा लिया है, ये देखो जितना भी यहाँ पे खाना देना है सब्जी देना है सबको मतलब अपना अपना काम दे दिया है, ये लोग बांटेगा, और यहाँ पे खाना है सब्जी है सब कुछ है, तो फाइनली दे दिया है बच्चों लोगों को राइस और फॉर्क, और ये लोग खा रहा है, इतना ही बच्चे आया है और खा रहा है लोग, अच्छा से खा लो हाँ। देखो यहाँ पे राइस और सब्जी बांटने के लिए है, फॉर्क बांटने के लिए है, और ये लोग खाना खाने के बाद अपना अपना घर जाएगा, बुजुर्ग गाँव वाला को बुलाया था हम लोगों ने, कुछ आया है, और यहाँ पे भैया का घर में कुछ लोगों को दे रहा है खाना, दे दिया है यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे जो सब्जी बांटने वाला राइस बांटने वाला जो भी है और यहाँ पे खा रहा है खाना, एंड उस घर में भी दे रहा है, मैं आगे तो आगे जाके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, वहाँ पे भी दे रहा है, तो यहाँ पे दे दिया है लड़की लोगों को, और पहला वाला घर में लड़का लोगों को, और यहाँ पे लड़की लोगों को दे दिया है, फिलहाल के लिए ये लॉन्च कर रहा है ये लोग भी। भाभी अच्छा से खाना हाँ बुझी, अच्छा से खा लो। तो दोस्तों अभी मैं घर आ चुका हूँ, और वहाँ पे मैंने सब्जी बांटने के बाद खाना बांटने के बाद मैंने वहाँ पे भी हेल्प किया है, और बहुत सारा भीड़ था, इसके लिए मैं ब्लॉग को कंटिन्यू कर नहीं पाया वहाँ पे, इसके लिए थोड़ा मैं रेस्ट रहने के लिए घर में आ गया, और शाम को जाऊँगा। तो साली साहिबा और मन्नत का मम्मी तो गया नहीं यहाँ पे, देखो अभी साली साहिबा उठा है, देखो पूरा गर्मी लग रहा है, बहुत गर्मी है ना, और देखो यहाँ पे बैठे सो के उठा है अभी इसने, और मन्नत का मम्मी नहीं गया, क्यों नहीं गया तू मेरे इसमें बोलो, क्यों नहीं गया? मैं शादी के लिए नहीं आई हूँ, शादी के लिए नहीं आने से जाना चाहता ना, नहीं बोल रहा था, पूछ रहा था वहाँ पे क्यों नहीं आया बोल के, पसंद नहीं है। और यहाँ पे देखो, और तूने तू क्यों नहीं गया बोलो, ऐसे ही नहीं गया, क्या ऐसे ही नहीं गया, और यहाँ पे हम लोग का शैतान सो रहा है, देखो पूरा गंजी निकाल के पूरा सो रहा है बाबाली जैसा। और अभी मैं शाम को जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे जो तोचुंग से बुलाया है ना मेहमान वगैरह, सुबह टाइम पे नहीं आया था, तो शाम को आएगा बोल रहा था, तो ब्लॉग को इसमें रख लेता हूँ दोस्तों, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर मेरे को एडिट भी करना है इस ब्लॉग को, और मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, लव यू ऑल।